वेलकम यू ऑल गाइड इन जीके बिट। सो आज हम लोग पढ़ेंगे बैंट रूल के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। कि कुछ आप लोगों में से किसी कुछ फ्रेंड्स का रिक्वेस्ट आया था कि बैंट रूल पे एक वीडियो बनाने के लिए, तो ये बैंट रूल बिल्कुल ही नया टॉपिक है। तो अगर आपके बुक में या जनरली जो आपके क्लासरूम्स में ये नहीं देखने को मिलेंगे ये रूल्स, ठीक है, अगर आप कोटा या दिल्ली में अगर नहीं पढ़ते हो, तो अगर आप कोटा और दिल्ली में पढ़ते हैं तो ये रूल वहाँ पे आपको क्लास में दिख जाएगा। ये बहुत ही मॉडर्न टॉपिक है और इसको दिया गया एक अमेरिकन केमिस्ट थे, दैट इज नॉन एज हेनरी बैंट। उनका क्या नाम था? हेनरी बैंट, ठीक है फ्रेंड्स। ये हेनरी बैंट के द्वारा दिया गया था और हेनरी बैंट का स्पैन था फ्रेंड्स 1926 टू 2015, तो ये बिल्कुल रिसेंटली मरे हैं। तो इन्हीं के द्वारा एक रूल दिया गया था, दैट इज अ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बारे में या उनके शेप्स के बारे में कि क्या होता है। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि ये जो यूज होता है ना sp3d हाइब्रिडाइजेशन के लिए ही होता है। क्या किसके लिए यूज होता है? sp3d हाइब्रिडाइजेशन के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक्चुअली sp3d जो है ना, ये ब्रेक होता है किसमें? sp2 और प्लस pd में। तो आपको याद होगा कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसका शेप क्या होता है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्या होता है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो इसके स्ट्रक्चर को एक बार हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो ये होता कैसा है कि मान लीजिए ये ए आपका सेंट्रल एटम है, तो एक ट्राइगोनल होता है, ठीक है फ्रेंड्स, और ये एक प्लेन में होते हैं। ये क्या होते हैं? एक प्लेन में होते हैं और इस पे एक क्या होता है? परपेंडिकुलर बॉन्डिंग होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो ये हम लोग के क्या हो गए? ट्राइगोनल और इस पे क्या होता है? दो पिरामिड होता है। यहाँ ध्यान से, ये जो है आपका बॉन्ड एंगल कितना हो रहता है, ये आप लोगों ने देखा होगा हाइब्रिडाइजेशन में 120 डिग्री। कितना रहता है? 120 डिग्री। और ये कितना रहता है? 90 डिग्री। ये कितना रहता है आपका? 90 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो इस पोजिशन को हम लोग इक्वेटोरियल पोजिशन बोलते हैं। इस पोजिशन को क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल। और इस पोजिशन को क्या बोलते हैं? एक्सियल पोजिशन। क्या बोलते हैं? एक्सियल पोजिशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है परसेंटेज एस कैरेक्टर बॉन्ड का देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इक्वेटोरियल के जो है बॉन्ड, जैसे यहाँ पे इक्वेटोरियल है तो इसका परसेंटेज, ये एंगल कितना पे? 120 डिग्री पे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा इक्वल टू एस बाय एस माइनस वन, वेयर एस क्या है? परसेंटेज एस कैरेक्टर है और थीटा आपका क्या है? बॉन्ड एंगल है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ अगर हम लोग कॉस 120 निकालें, क्या निकालें? कॉस 120 डिग्री, ये क्या हो जाएगा? एस बाय एस माइनस वन, ठीक है फ्रेंड्स। तो कॉस 120 का वैल्यू क्या होता है? माइनस वन बाई टू इक्वल टू क्या होगा? एस बाय एस माइनस वन। तो यहां से अगर आप एस का वैल्यू निकालिएगा, ये क्या आ जाता है? 1/3। दैट मीन्स ये क्या होगा? 33.33%। क्या होगा? 33.33%। तो ये किसका होता है? sp2 का होता है। किसमें होता है? sp2 में होता है। दैट मीन्स ये जो इक्वेटोरियल पोजिशन के बॉन्डिंग है, इसमें क्या होता है? 33% एस कैरेक्टर होता है। और ये जो एक्सियल बॉन्ड है, इसका अगर हम लोग निकालें कॉस 90 डिग्री, क्या निकालें? कॉस 90 डिग्री। तो ये फिर से क्या हो जाएगा? एस बाय एस माइनस वन, और ये क्या हो जाता है? जीरो। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? एस का वैल्यू फ्रेंड्स हम लोग का जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स एस कितना रहेगा? 0%। तो ये जो आपका एक्सियल पोजिशन वाले बॉन्ड है, इसमें 0% एस कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो यहां से एक चीज हम लोग समझ गए कि जो sp3d में हाइब्रिडाइजेशन है, वो sp2 जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कहाँ काम कर रहा है? इक्वेटोरियल पोजीशन पर। और ये जो एक्सियल पोजीशन है, ये क्या होता है? सिंपली pd होता है। इसमें 0% एस कैरेक्टर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है? 0% एस कैरेक्टर होता है। तो इसी चीज को हेनरी बैंट ने बताया था। तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट, ध्यान से रखिएगा कि किसी भी बॉन्ड का अगर हमको परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालना है तो वो क्या होता है? कॉस थीटा इक्वल टू एस बाय एस माइनस वन, वेयर थीटा इज योर बॉन्ड एंगल। तो अब एक एग्जांपल इसका देखते हैं, PCl5। अगर ये स्ट्रक्चर बनाने बोला जाए तो आप आसानी से बना दीजिएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा कि फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, और कितना मोनोवेलेंट एटम है? 5 है। 5 + 5/2 करेंगे, ये क्या हो जाएगा? 5। दैट मीन्स इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? sp3d। तो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाने बोला जाए तो आप आसानी से बना दीजिएगा। फास्फोरस है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ हम लोग क्या लगा देंगे कि क्लोरीन लगा देंगे, यहाँ क्लोरीन लगा दिए, यहाँ क्लोरीन, ये तीनों इक्वेटोरियल क्लोरीन हो गए और ये क्या होगा? 2 एक्सियल क्लोरीन। तो अगर इसी के जगह आपको ऐसा दे दे कि
PCl3F2, तब क्या स्ट्रक्चर होगा इसका भी हाइब्रिडाइजेशन सेम आएगा, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि F2 को अब कहाँ रखेंगे। तो इसी के रिगार्डिंग बेंट ने रूल दिया है कि जो आपका लोन पेयर का पोजीशन होगा वो कहाँ होगा, जो बेंट रूल है वो एक्चुअली क्या है, लोन पेयर कहाँ रहेगा, इक्वाटोरियल पोजीशन पे। इक्वाटोरियल पोजीशन लेगा, ठीक है। और अगर हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, अगर हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है तो वो क्या लेगा आपका, एक्सियल पोजीशन, क्या लेगा, एक्सियल पोजीशन। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि जो लोन पेयर होंगे वो ऑलवेज किस पोजीशन पे जाएंगे, इक्वाटोरियल पोजीशन पर, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जो है वो कहां जाएगा, एक्सियल पोजीशन पे। दैट मीन्स अगर PCl3F2 को दिखाना है तो ऑलवेज क्या होगा, फॉस्फोरस है, ये क्लोरीन तीनों क्या रहेंगे, एक्सियल इक्वाटोरियल पोजीशन पे क्या रहेंगे, इक्वाटोरियल। लेकिन फ्लोरीन कहां चला जाएगा, एक्सियल पोजीशन पे। फ्लोरीन कहां चला जाएगा, एक्सियल पोजीशन पे, ठीक है फ्रेंड्स। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, अगर हम लोग क्लोरीन को इक्वाटोरियल पोजीशन पे देते हैं तो वो क्या होगा, गलत होगा, वो क्या होगा, गलत होगा। तो जो हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है वो कहां जाता है आपका, एक्सियल पोजीशन पे। लेकिन अगर वही लोन पेयर की बात की जाए तो वो कहां जाएगा फ्रेंड्स, एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, कहीं अगर आपको CLF3 दे दिया, क्या दे दिया, CLF3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन, और 3 क्या है आपका, मोनोवेलेंट एटम है, तो 7 + 3/2, फिर से ये क्या आएगा, 5। दैट मीन्स इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3d। तो अगर अब इसको बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, क्लोरीन है तो इसमें देखते हैं 3 ही बॉन्ड है, दैट मीन्स 2 क्या रहेगा, लोन पेयर के रूप में रहेगा, तो वो लोन पेयर कहां रहेंगे, तो ये लोन पेयर आपके कहां रहेंगे फ्रेंड्स, ये आपका इक्वाटोरियल पोजीशन तीनों हो गए, तो 2 लोन पेयर जो आए वो कहां आएंगे, आपके इक्वाटोरियल पोजीशन पे, यहां पे 2 लोन पेयर आएंगे, और जो एक्सियल पोजीशन पे है 2 फ्लोरीन होगा। दैट मीन्स अगर इसका शेप पूछा जाए तो कैसा है, टी शेप है, ठीक है फ्रेंड्स, इसका शेप क्या होगा, टी शेप होगा, क्या होगा, टी शेप। इसका टी शेप क्यों होता है, क्योंकि लोन पेयर कहां जाएगा, इक्वाटोरियल पोजीशन पर। अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर ऐसा बना देते ट्राइगोनल प्लेनर कि क्लोरीन है और इसमें 3 फ्लोरीन लगा दिए यहां पे, तो ये हम लोग का क्या हो जाता, गलत हो जाता, क्या हो जाता, गलत हो जाता, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये ध्यान रखिएगा कि लोन पेयर ऑलवेज कहां जाएगा, इक्वाटोरियल पोजीशन पर, और अगर हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम आता है तो वो कहां जाएगा, एक्सियल पोजीशन पे। इसका और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि अगर हम लोग क्या करें, PCl3F2 को हीट करें तो कौन सा गैस बाहर आएगा, क्लोरीन गैस और फ्लोरीन गैस, तो यहां देखना होगा कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। तो ये फ्लोरीन बॉन्ड में हम लोग क्या जानते हैं कि 0% एस कैरेक्टर है, क्या है यहां पे, 0% एस कैरेक्टर है, लेकिन यहां क्या है, 33.33% एस कैरेक्टर है। तो एस कैरेक्टर के बारे में हम लोग एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जानते हैं कि जितना परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस, क्या होता है, क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस। जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना वो न्यूक्लियस से क्या होगा, क्लोज होगा। दैट मीन्स ये जो क्लोरीन है इसमें एस कैरेक्टर ज्यादा, और ये फ्लोरीन वाला बॉन्ड है इसमें 0% एस कैरेक्टर है, तो ये क्या होगा, लंबा बॉन्ड होगा। देन इस बॉन्ड से अगर ये दोनों बॉन्ड लेंथ पूछा जाए तो इक्विवेलेंट नहीं होते हैं, ये बॉन्ड क्या होगा, छोटा होगा, और ये बॉन्ड ज्यादा लंबा होगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें एस कैरेक्टर क्या है, 0% है। उसके अलावा और हम लोग जानते हैं कि जो एस कैरेक्टर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के भी। अगर पूछा जाए कि ये बॉन्ड का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इस बॉन्ड का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका ज्यादा होगा, तो इसमें एस कैरेक्टर ज्यादा, इसलिए ये बॉन्ड क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, तो ये क्या रहेगा, मोर अट्रैक्टेड, मोर क्लोज टू द फॉस्फोरस रहेगा। तो एनी हाउ, तो ये दो चीज को हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा कि परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है, क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस, और क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा उतना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतनी ही क्या होगी, निगेटिविटी होगी। तो और एक इंपॉर्टेंट इसमें आता है कि पी कैरेक्टर क्या होगा, परसेंटेज अगर पी कैरेक्टर बढ़ता है किसी में क्या होता है, परसेंटेज पी कैरेक्टर, अगर परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लॉन्गिटिविटी।
कि लॉन्गिटिविटी की जितना ज्यादा, ये तो दैट मीन्स ये ऑर्बिटल क्या होगा, लंबा होगा। ये जो फ्लोरीन वाला ऑर्बिटल है ये क्या होगा, पतला और लंबा होगा, क्योंकि इसमें पी कैरेक्टर 50% है। लेकिन इसमें पी कैरेक्टर कितना 60, तो इसमें पी और डी कैरेक्टर, इसमें एस कैरेक्टर नहीं है, तो एस कैरेक्टर नहीं है, दैट मीन्स ये क्या होगा, न्यूक्लियस से क्लोज नहीं आएगा, पतला और क्या होगा, लंबा होगा। तो इसको एक बार और हम शेप बना के देख लेते हैं कि जब भी इसको बनाना है, कि मान लेते हैं ए आपका एक यहां से सेंट्रल है, तो इसका इस तरह से बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स, ऑर्बिटल्स का शेप। ये आपके तीनों इक्वेटोरियल हो गए, और जो एक्सियल होगा वो क्या होगा, पतला और लंबा होगा, क्या होगा, पतला और लंबा ऑर्बिटल होगा, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है, पतला और लंबा होता है। तो जब भी ब्रेक होता है तो ये कौन सा ब्रेक होता है आपका, एक्सियल। ये तीनों क्या हो गए आपके, इक्वेटोरियल के हो गए ऑर्बिटल, और ये ऑर्बिटल आपका क्या होता है, एक्सियल ऑर्बिटल। तो ये पतला और लंबा होता है, ध्यान रखिएगा। और इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है इस ऑर्बिटल की, जीरो होती है। ऑर्बिटल की अगर पूछा जाए एस कैरेक्टर क्या होगा, जीरो होगा। तो इस पे दैट मीन्स यहाँ लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फील करेगा जो भी यहाँ पे आएगा, इसलिए यहाँ क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट आते हैं। तो जैसे फ्लोरीन यहाँ पे आ गया तो ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फील करेगा। तो इस तरह से हम लोग समझ गए फ्रेंड्स कि बैंड रूल एक्चुअली क्या चीज को बताता है, कि जब भी आपका sp3d हाइब्रिडाइजेशन रहे तो लोन पेयर ऑलवेज कहाँ आएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जो है वो कहाँ आएगा, एक्सियल पोजीशन पे। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। उसके अलावे एक और आता है मॉडिफाइड बैंड रूल। क्या आता है, मॉडिफाइड बैंड रूल। तो अब देखते हैं कि मॉडिफाइड बैंड रूल क्या है। मॉडिफाइड बैंड रूल, तो इसमें हम लोग क्या होता है, इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कि जैसे अगर आपको ये दे दे कि xef5- दे दिया, पूछेगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, तो हम लोग सिंपली देखते हैं जेनन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 फ्लोरीन है और एक निगेटिव चार्ज है, तो उसको ऐड कर दिए, बाय 2 कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये कितना हो जाएगा, 14/2, दैट मीन्स 7। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3d3। तो इसका शेप हम लोग जानते हैं कैसा होता है, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। क्या होता है, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। तो ये पेंटागोनल बाय पिरामिडल होगा, तो इसमें देखेंगे कि इसके अनुसार से दो लोन पेयर आएगा, दो लोन पेयर है, और यहाँ क्या है फ्रेंड्स, 5 बॉन्ड पेयर है। ये 7 में क्या है, दो लोन पेयर, 5। तो अब यहाँ ये लोन पेयर कहाँ जाएगा, तो हम लोग देखते हैं जैसे कि ये जेनन हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कैसा रहेगा, ये फ्लोरीन आ गया, ये फ्लोरीन आ गया, ये क्या बनाएगा, एक पेंटागोनल प्लान बनाएगा, क्या बनाएगा, एक पेंटागोनल प्लान बनाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और लोन पेयर यहां कहां आता है आपका फ्रेंड्स, एक्सियल पोजीशन पे। लोन पेयर कहां जाएगा, एक्सियल पोजीशन। तो हम लोग बैंड रूल में क्या देखे थे, लोन पेयर आता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, लेकिन यहां लोन पेयर क्या आ गया, एक्सियल पोजीशन पे। कहां आ गया, एक्सियल पोजीशन पे। इसका क्या रीजन है, तो इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं कि ऑलवेज जो है ना, लोन पेयर मोर स्पेसियस पोजीशन पे रहना चाहेगा। ये बॉन्ड एंगल देखते हैं, वहां भी हम लोग जैसे देखे थे कि ये कैसा शेप था, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्या था, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो ये बॉन्ड कितना पे था, 90 डिग्री पे, और ये बॉन्ड कितना था, 120 डिग्री। तो 120 वाले के पास लोन पेयर गया। तो वही एक्चुअली बैंड रूल में यही मॉडिफाइड किया कि जो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा वहां पे लोन पेयर जाना पसंद करेगा। तो यहां देखेंगे पेंटागोन में, तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं कितना होगा बॉन्ड एंगल यहाँ पे, 72 डिग्री, और ये कितना होगा, 90 डिग्री। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ 120 डिग्री ये ज्यादा था, इसलिए लोन पेयर यहाँ आ गया था। ये 90 डिग्री रिस्पेक्टिवली कम था 120 से, इसलिए यहाँ पे लोन पेयर नहीं आता था, लेकिन यहाँ पे ये 90 डिग्री ज्यादा है, तो इसलिए ये क्या चला जाएगा, एक्सियल पोजिशन पे। तो शेप किसी भी हाइब्रिडाइजेशन से डिसाइड करने से पहले ये फ्रेंड्स हमेशा ध्यान से देखिएगा कि लोन पेयर ऑलवेज वो पोजिशन हासिल करना चाहता है जहां पे कि बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस तरह का आपको एक प्रॉब्लम और आ सकता है कि जैसे ही स्क्वायर प्लेनर की हम लोग बात करेंगे, स्क्वायर प्लेनर की, तो ये चारों एलिमेंट रहते हैं और इस पे भी लोन पेयर कहां आता है, एक्सियल पोजीशन पे ही आता है। लोन पेयर क्या आता है, एक्चुअली यहां दोनों एंगल इक्वल 90 डिग्री पे, फिर भी यहां ये लेस स्ट्रेंथ
महसूस करेगा। इसलिए लॉन पेयर कहाँ चला जाता है, एक्सियल पोजिशन पे, इक्वाटोरियल पोजिशन पे लॉन पेयर नहीं आते हैं। तो ये था आपका मॉडिफाइड बैंट रूल कि जब sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन रहे या sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन रहे तो लॉन पेयर ऑलवेज कौन सा पोजीशन हासिल करता है, एक्सियल पोजीशन। लेकिन अगर वही sp3d हाइब्रिडाइजेशन रहे तो लॉन पेयर ऑलवेज कहां जाएगा फ्रेंड्स, इक्वाटोरियल पोजीशन पे। और जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है वो कहां जाएगा, एक्सियल पोजीशन पे। लेकिन इसमें देखेंगे तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ऑलवेज कहां आएंगे, इक्वाटोरियल पोजिशन पे। तो ये था मॉडिफाइड बैंट रूल। अब हम लोग देखते हैं इसके कुछ कुछ इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस अगर पूछे जाएं तो वो क्या होगा। तो एक नजर डालते हैं कि पहला क्या बताया कि जैसे एक सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग जानते हैं कि जितना भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, सिंपली एग्जांपल अगर हम लोग sp3 ही ले लें तो इसमें कितने होंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये कितने होंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। तो ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होगा कि इक्विवेलेंट माना जाता है, क्या माना जाता है, चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। जैसे यहां पे हम लोग कार्बन ले लें, यहां पे क्या आ जाए, हाइड्रोजन आ जाए। तो ये चारों क्या रहेंगे, ऑर्बिटल इक्विवेलेंट रहेंगे, सब में इक्वल परसेंटेज एस कैरेक्टर रहेगा, इसमें भी इक्वल रहेगा, इसमें भी। लेकिन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम तब आता है जब ऐसा आपको दे दे CH3F, ऐसा आ गया तब क्या होगा, दैट मीन्स इसमें क्या रहेंगे, ये कार्बन हो गया, यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन है, और एक क्या आ गया, फ्लोरीन आ गया। तो हम लोग जानते हैं कि फ्लोरीन वहां जाता है जहां पे लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जो बॉन्ड। तो एक्चुअली फ्लोरीन यहां आता है तो इसके एस कैरेक्टर को क्या करता है, डिक्रीज करा देता है। इसका एस कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इस बॉन्ड का डिक्रीज होगा, दैट मीन्स उसको कंपनसेट करने के लिए ये सब बॉन्ड का क्या होगा, एस कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, क्या होगा, एस कैरेक्टर इसका इंक्रीज करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि इवन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन आ जाए फिर भी अगर किसी बॉन्ड पे या किसी जगह इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट आया तो उस बॉन्ड का एस कैरेक्टर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। मान लीजिए इसका एस कैरेक्टर डिक्रीज हो गया, दैट मीन्स इसमें लेस एस कैरेक्टर रहेगा तो इसका लॉन्गिटिविटी बढ़ जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जितना ज्यादा एस कैरेक्टर रहता है उतना क्लोज टू द न्यूक्लियस रहता है। दैट मीन्स ये बॉन्ड का लेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा, इस बॉन्ड का एक्चुअल बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा, और ये इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, घट जाएगा। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जैसे CF है और यहां पे अगर ऐसा दे दे कि CF4 अगर ऐसा कंपाउंड बने तो इसमें क्या होगा, अगर इसमें बॉन्ड लेंथ की बात किया जाए तो फिर से सब इक्वल, सब इलेक्ट्रोनिगेटिव ही है, दैट मीन्स क्या होगा, सबका इक्विवेलेंट एस कैरेक्टर रहेगा, इसमें किसी एक का घटेगा या नहीं बढ़ेगा। तो यहां जो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड है और यहां जो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड है, ये कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड छोटा होगा और ये कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड बड़ा होगा, क्योंकि इसमें एस कैरेक्टर डिक्रीज कर गया है, लेकिन यहाँ सारे का इक्वली डिक्रीज करेगा, दैट मीन्स इक्विवेलेंट रहेगा, तो सब में इक्वल ही एस कैरेक्टर रहेंगे। लेकिन यहाँ पे एस कैरेक्टर क्या होगा, जैसे हम लोग जानते हैं कि ये चार बॉन्ड है तो कितना होगा, 25%, तो यहाँ 25% एस कैरेक्टर नहीं रहेगा, ये घट के 23% हो जाएगा या 22%। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ सब इक्वल है तो फिर कितना रहेगा, 25% ही एस कैरेक्टर रहेगा। तो इसलिए ये बॉन्ड ज्यादा लंबा होगा और ये छोटा होगा। इसके अलावे एक और आता है कि अगर sp3 कहीं एक एग्जांपल लें और इसमें अगर लॉन पेयर इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, तो जैसे एक यहां से देखते हैं कार्बन में क्या है, कोई लॉन पेयर नहीं होता है। ये एग्जांपल आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, CH4 क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। इवन NH3 क्या रहता है, sp3 हाइब्रिडाइज रहता है, क्या रहता है, sp3 हाइब्रिडाइज रहता है। यहां क्या आ गया, लॉन पेयर आ गया, क्या आ गया, लॉन पेयर आ गया। यहां देखते हैं सबका क्या रहेगा, सारे बॉन्ड का लेंथ इक्वल रहेगा और एस कैरेक्टर सब में कितना रहेगा, 25% रहेगा। लेकिन यहां देखते हैं तो अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आती है, दैट मीन्स उसका एस कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। इस ऑर्बिटल का क्या होगा, एस कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा, दैट मीन्स इस सब का एस कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, इसका एस कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर हाइब्रिडाइजेशन में लॉन पेयर प्रेजेंट आया तो जिस ऑर्बिटल में लॉन पेयर रहेगा उसका एस कैरेक्टर बढ़ जाता है, दैट मीन्स वो क्लोज टू द न्यूक्लियस हो जाता है, और जिसमें इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट आ गया उसका एस कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है, दैट मीन्स बाकी सारे बॉन्ड का क्या होता है, एस कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स JEE मेन और एडवांस में, जिसको आप इसको यूज करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग,
जैसे आपका ये दे देगा NH, एक बॉन्ड इधर नाइट्रोजन आ गया, फिर से दो हाइड्रोजन आ गए, और दूसरा एग्जाम्पल आपका दे देगा ये वाला, तो अब इसको ध्यान से देखिएगा, पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ ए में ज्यादा होगा या बी में ज्यादा होगा, तो इसको आप सिर्फ बेंट रूल के ही हेल्प से सॉल्व कर सकते हो, और किस कोई रूल नहीं है इसको सॉल्व करने के लिए। तो अब यहां ध्यान से हम लोग देखते हैं कि ये जो है नाइट्रोजन के तीन बॉन्ड अवेलेबल है, 1 2 3, और इस पे एक लोन पेयर भी रहा होगा, क्या हो रहा होगा, लोन पेयर भी रहा होगा, तो यहां भी एक लोन पेयर है, तो उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन यहां देखिए लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, नाइट्रोजन से क्या है लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ, और यहां नाइट्रोजन से क्या हुआ है मोर इलेक्ट्रो, दैट मीन्स इसका एस कैरेक्टर क्या होगा डिक्रीज होगा, और जब इसका एस कैरेक्टर डिक्रीज होगा दैट मीन्स इसका भी एस कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, तो नाइट्रोजन के ये तीन बॉन्ड है इसमें से इस बॉन्ड का एस कैरेक्टर क्या होगा इंक्रीज करेगा, इसका एस कैरेक्टर क्या होगा इंक्रीज करेगा। लेकिन यहां देखते हैं इस नाइट्रोजन से, ये नाइट्रोजन है ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है देन हाइड्रोजन से, इस नाइट्रोजन को अगर हम सेंट्रल एटम माने तो ये इधर दो हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन, दैट मीन्स इसका एस कैरेक्टर एक्चुअली क्या करेगा डिक्रीज करेगा, और इसका एस कैरेक्टर क्या होगा इंक्रीज करेगा। तो यहां देख रहे हैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड का एस कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड का एस कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा एस कैरेक्टर ज्यादा होगा इस ऑर्बिटल में रिस्पेक्टिवली इस ऑर्बिटल के, तो ये क्या होगा क्लोज टू द न्यूक्लियस आ जाएगा ये ऑर्बिटल, दैट मीन्स बी का बॉन्ड लेंथ जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ किसमें ज्यादा होगा इसका डिक्रीज किया, दैट मीन्स ये लेंथ बढ़ जाएगा, ये क्लोज टू द न्यूक्लियस से नहीं रहेगा क्योंकि एस कैरेक्टर घट रहा है, तो बॉन्ड लेंथ ए का क्या होगा ग्रेटर देन बी, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन ये रहता है, या एक इसी पे सिमिलरली बेस्ड है आपका क्वेश्चन कि अगर हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करें और सिमिलरली अगर दो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया जाए तो क्या होगा, तो यहां ध्यान से देखते हैं कि ये जो ऑक्सीजन एक साइड क्या हुआ, इस ऑक्सीजन की बात करें अगर हम लोग तो एक साइड ऑक्सीजन जुड़ रहा है एक साइड हाइड्रोजन जुड़ रहा है, दैट मीन्स इसके वजह से इसका एस कैरेक्टर क्या होगा डिक्रीज करेगा, और इसका एस कैरेक्टर क्या करेगा इंक्रीज करेगा, दैट मीन्स यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड का एस कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहां देखते हैं फ्लोरीन है ये क्या है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इस ऑक्सीजन की बात करेंगे तो इस ऑक्सीजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, दैट मीन्स इसका एस कैरेक्टर क्या होगा डिक्रीज होगा, तो इसका एस कैरेक्टर क्या होगा इंक्रीज होगा, दैट मीन्स ये क्लोज टू द न्यूक्लियस आ जाएगा। हम लोग जानते हैं एस कैरेक्टर जितना ज्यादा रहता है वो उतना क्लोज टू द न्यूक्लियस रहना चाहता है, तो अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ की बात की जाए तो जो आपका ऑप्शन ए और बी में है तो बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा, इसमें एस कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है और यहाँ एस कैरेक्टर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एस कैरेक्टर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स ये क्लोज टू द न्यूक्लियस आ जाएगा, तो ए का बॉन्ड लेंथ क्या होगा ज्यादा होगा बी के बॉन्ड लेंथ से। तो इस तरह से क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं, तो आई होप यू फ्रेंड्स कि आपको जरूर समझ में आया होगा कि बेंट रूल या मॉडिफाइड बेंट रूल क्या है, इस पे बेस्ड आप बहुत सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर पसंद आया तो जरूर फ्रेंड्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू।